तो हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं हूँ आपकी रूना, और आज दोबारा से आ गई हूँ मैं अपने ब्लॉग को लेके। तो आज हम जाने वाले हैं, मैं और पापा। ऋषिकेश रोशनी भी आ गई है, पापा जी भी रेडी। मैं हो गई हूँ तैयार ऋषिकेश जाने के लिए। मुझे बहुत गर्मी हो रही थी तो मैंने जीन्स नहीं पहनी। मैंने पहनी एक कॉटन की कुर्ती जो मैंने मंगाई थी मीशो से, और काफ़ी अच्छी आई है ये, बिल्कुल प्योर कॉटन है। तो अगर आप कुछ लगता भी मंगा सकते हैं वहाँ पर, काफ़ी अच्छा स्लीव अच्छी है, पूरी फिटिंग अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। तो मैं हो गई हूँ तैयार खुशी के जाने के, और पापा जी आने वाले हैं। पापा जी भी तैयार हो गए। तो गई वीडियो हम जा रहे हैं ऋषिकेश। आज तो मैं अकेली घर पे, टीटू और टीटू मैं जैकी है बस। घर आना क्योंकि शाम को घर आया ना, मुझे डर लगता है रात को, अभी भी लगता है, पर दरवाजा बंद कर लूंगी मैं घर से। बाहर से ताला मार देना दीदी, बाहर से ताला मार देना। वो छत पे लेके जाएगी, आप बाहर पे आए होंगे तैयार होके। अगर कोई आप लोग को मैं किसी का वेट करते हो तो कैसा लगता है आपको, कमेंट में बता दा। आपको कैसा लगता दीदी जब आप किसी का वेट करते हो तो? मेरा सूट है इसमें, कब देंगे उसको? तैयार हो गई क्योंकि पापा जी अभी भी तैयार हुए नहीं है। अब जाके 12 बजे मैंने उन्हें बोला, अब जाके गए जल रही हूँ। छोड़ने के बाद ना मुझे ऐसा लग रहा है मैं आजकल ना दोबारा से मोटी हो गई हूँ, क्योंकि मैं 1 महीने से जिम नहीं गई हूँ। मेरे को टाइफाइड टाइप का तबीयत खराब हो गई थी तो मैंने जिम छोड़ी, और उसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं मोटी होती जा रही हूँ। जिम छोड़ने के साइड इफेक्ट आने लग गए। अरे यहाँ पे हमारा आवारा सांड आ गया, पढ़ना पढ़ना कहाँ से आए तू? मंजन एक काम कर, अम्मा की दुकान से गोल्डन का पैकेट लेकर पड़ा हुआ ना लार्ज। यहाँ पे हमें अमिता भी मिल गई, हरियाली चीज की तैयारी कर रही है। कुत्ते को भी ले जाता। टाइम आ ही गया जिसका मुझे इंतजार था, ये टेस्टी खाना मेरा आ गया है। इतनी इज्जत से खाना देख के आंसू आ रहे मेरी पूरी पहाड़ी थाली। ये देखो, बैगन की सब्जी, दही, मोटी दाल, चटनी, सलाद और ये तोरी। वाओ मजा आ गया। घर मोज के हम देखिए शादी की एल्बम, और शादी के एल्बम में मैं खुद को ढूंढ रही थी। ये थी शादी और सगाई दोनों की एक साथ एल्बम बनाई थी, तो इसमें मैं खुद को ढूंढने में ये फोटो मिल गई फाइनली, फर्स्ट फोटो जो एंगेजमेंट में थी हमारी। दूसरी भी मिल गई। तुमने खुद सिला क्या ब्लाउज? ये तुमने खुद सिला? ये प्लेट थोड़ी सी ऊपर डाल ली थी। अमिता को सिलाई भी आती है? इन्होंने खुद ही सिला है। ये मैंने पहली बार सिला था, पहली बार में। तो क्या इसमें तुलपाई क्यों नहीं कर रखी, एक्स्ट्रा सिलाई कर रखी? अरे सिलाई तो फ्रेंड यहाँ पे चल रहा है, लोगों का मेकअप, किसी की साड़ी बन रही है, किसी के बाल बन रहे हैं। नहीं नहीं आपको नहीं दिखा रहे हो, ये हो रही है अमिता तैयार, और ये मैं ऐसे घुमा रही हूँ दीदी। ओह माय गॉड, मैं कितनी पतली हो गई। आफ्टर और बिफोर का वो देखना, आफ्टर वाला तो देखने पर बिफोर वाला देखना जब भी कोई महिला आपको महिला जैसी दिखे तो पहले वो पुरुष दिखती है मेकअप होता है जब जो जिन्हें मैं आज तीज के मौके पे घुमाने ले जा रही हूँ। मेरा काजल देखो ना, पहले मैं खुद डाडू लग रही हूँ। मेरे साथ दो महिला इन्हें मैं तीज के मौके पे घुमाने ले जा रही हूँ गंगा जी। तो ये पहुंच गए हम दयानंद घाट पे घूमने। कल तो गंगा जी यहाँ तक चल रही थी, यहाँ तक पूरे ऊपर, यहाँ से ऊपर आ रही थी।
और दो महिलाओं को घुमाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर। पायलों की छमछम आ रही है भयंकर वाली। अमिता की कहाँ गई अमिता? यहाँ पे दुल्हन के साथ हुआ हादसा। यहाँ पे अमिता की निकली पायल। पहले हम जब आते थे ना बचपन में, वो आगे तक नहाते थे हम तो, बहुत आगे आगे तक नहा रखे हम। तो गाइस ये मेरी बचपन की गलियाँ हैं जहाँ मैं बड़ी हुई हूँ, जहाँ मैं घूमी हूँ बहुत ज़्यादा, जहाँ मैं पली बड़ी हुई हूँ। 15 साल मैंने ऋषिकेश में काटे हैं अपने। हम भी खेले हैं इस पार्क में बहुत ज़्यादा, इस पार्क में भी खेले हैं। वाह ये तो बच्चे राधा कृष्णा बन रखे हैं। तो यहाँ पे शायद बच्चों का प्रोग्राम हुआ होगा। अच्छी लग रही है ना आगे से। अच्छा डांस कराओगे ना इसमें? डांस कराओगे ना स्कूल में? आ जाओ। अच्छा ये वाला पार्क है ना, यहाँ पे वो अच्छी स्केटिंग वगैरह करते हैं। ये गंगा रिसॉर्ट है, आते हैं बच्चे। बच्चे पूरे सच सच के आ रहे हैं। अमन कहाँ है? अमन ने क्या करा? तो आज क्या था, किस चीज का प्रोग्राम था? कंपटीशन है। दो में है स्कूल, दो में है स्कूल, कहाँ है नहीं बताओ, मैं है स्कूल। फोटो खींचाने के लिए तैयार हो गए दो लोग। देखो आओ तुम लोग। Oh, right, cool.